नमस्कार दोस्तों, गूगल आज एनी फ्रैंक का गूगल डूडल भारत में दिखा रहा है। एनी फ्रैंक जो एक जर्मन डायरिस्ट थी, उसकी लघु कथा स्लाइड शो के जरिए डूडल के माध्यम से समझाया गया है। एनी फ्रैंक एक यहूदी विरासत की जर्मन डच डायरी लेखक थी। वह होलोकॉस्ट के यहूदी पीड़ितों में से एक थी। 1947 में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के प्रकाशन से उन्हें मरणोत्तर परांत प्रसिद्धि मिली, जिसमें उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड के जर्मन कब्जे के दौरान 1942 से 1944 तक के छिपने में अपने जीवन का दस्तावेजीकरण किया। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है और कई नाटकों और फिल्मों आधारित है। एनालिस मेरी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। 12 जून 1942 को उन्हें अपने 13वें जन्मदिन के दिन एक लाल और सफ़ेद प्लेट डायरी मिली। उस दिन उसने किताब में लिखना शुरू किया। फ्रैंक 6 जुलाई 1942 को अपने पिता के कार्यालय में छुप गए थे। वह उनकी जिंदगी उस गुप्त छुपने के स्थान तक के ही सीमित रह गई थी। इस समय के दौरान एनी ने अपनी डायरी में ईमानदारी से लिखा कि छुप छुप कर रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे रहा जाता है। साधारण झुंझलाहट से लेकर पकड़े जाने तक के डर तक का वर्णन किया। एनी ने अंतिम बार डायरी में 1 अगस्त 1944 को लिखा था। 3 दिन बाद उन्हें पकड़ लिया गया था। बाद में उन्हें बर्गन बेल्सन एकाग्रता शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया है। एनी फ्रैंक को मार्च 1945 में हनोवर बर्गन बेल्सन जर्मनी के पास 15 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओटो फ्रैंक ने एनी की सबसे बड़ी इच्छा को पूरी किया और उसकी डायरी को प्रकाशित कर 1947 में किया। रुपया एनी फ्रैंक का गूगल डूडल स्लाइड शो देखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।